हेलो एवरीवन, सभी को जोहार करता हूं। और यहां पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, चिकित्सीय जांच उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इस क्रम में पद रिक्त जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा में मेधा क्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्षद को उपलब्ध कराएगा। ये वैकेंसी है JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल 2023 में जो वैकेंसी आया है उसमें ये नोट देके लिखा हुआ है कि सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहता है तो उस स्थिति में और भी लड़कों को बुलाया जाए और उस सीट को भरा जाए। लेकिन मैं बात करूंगा उन सभी अभ्यर्थियों का जो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं झारखंड पुलिस से रिलेटेड। और ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन एक कच्चा डाटा यहाँ पे जरूर मैं बता सकता हूँ कि 2480 सीट को खाली रख दिया गया है आयोग की तरफ से। और आयोग में जाके पूछने से सिर्फ यही पता चलता है कि सीट वैकेंट नहीं है, सीट खाली नहीं है। और RTI से पता चला है कि लगभग 2000 उन्होंने कर रखा है कि 2000 सीट खाली है, लेकिन असलियत जो है वो 2480 का है। और ये छात्रों के प्रयास से ही इतना डाटा मिल सका है। और क्यों ना मिले, अगर लड़कों का ज्वाइनिंग पता चल चुका है कि इतना लड़के को ज्वाइनिंग मिला है, इतने लड़के को ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है, कितने लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वो सब अगर लड़कों के नॉलेज में है तो ये लिस्ट वहाँ से आराम से बनाया जा सकता था। लड़कों ने किया भी और इस हिसाब से, इस लिस्ट के हिसाब से लगभग 2480 सीट खाली है, जो आयोग की गलती है और आयोग जो है इसको नकार रही है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ बात होगा। ये पुराना अपडेट है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पर बता रहा हूँ। और मैं एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो नोटिफिकेशन है उसको मैं पढ़ रहा था एक्साइज वाले छात्रों के लिए, कुछ मुझे वीडियो बनानी थी, तो उसमें मैंने देखा कि नोट में लिख के उन्होंने लिखा है और ये लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सीट खाली नहीं रहना चाहिए। आयोग जो नोट दे के लिखा है कि अगर लड़के उपलब्ध नहीं है तो उसमें मेधाक्रम से नीचे के लड़कों को बुलाया जाए, तो इसका साफ मतलब है कि वो सीट वैकेंट नहीं रखना चाहता है। लेकिन झारखंड पुलिस चार्ट 2015 में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 2480 सीट को खाली रख दिया गया है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं साफ तौर पर बोलूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और अगर अभी सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आते हैं, छात्रों की इज्जत होती है, तो निश्चित रहिए कि आपको सभी सीट मिलने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जनरल लड़के भी बाहर हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, OBC लड़के भी बाहर हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, SC ST लड़के बाहर हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। जब सभी के कम्युनिटी के लड़के अगर बाहर हैं तो फिर कैसे JSSC बोल सकता है कि सीट खाली नहीं है? सीट खाली है और लड़ाई आपको लड़नी है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि कितना सीट है, क्या है, कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पता रहना चाहिए कि सीट खाली है और आप लड़िए, जीतिए, आपको नौकरी अवश्य मिलेगा, ऐसा संभावना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको आयोग के जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिखा दूँ कि इसमें भी उन्होंने मेंशन कर रखा है नोट देके कि सीट खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इनका साफ यही कहना है कि सीट को वैकेंट नहीं रखा जाए। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।